तो आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर। तीन तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़नी है। एक है स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, देन टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, एंड थर्ड इज स्पीड वर्सेस टॉर्क। तो फर्स्ट वन इज स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट एंड सेकंड वन इज टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट एंड थर्ड इज स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे डीसी शंट मोटर के लिए और डीसी शंट मोटर और सेपरेटली एक्साइटेड की कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग एक जैसी होती है, इसलिए हम लोग शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक शंट मोटर की होगी दैट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड, बिकॉज डीसी शंट मोटर में और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में एक चीज कॉमन है दैट फील्ड वाइंडिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट गोइंग इन द फील्ड वाइंडिंग या एक्साइटेशन इन द फील्ड वाइंडिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आर्मेचर करंट। एंड डीसी डीसी सीरीज मोटर एंड डीसी कंपाउंड, इन तीन टाइप के मोटर्स के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है। और जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए फॉर्मूले यूज होंगे वो फॉर्मूले होंगे, फर्स्ट थिंग दैट इज द बैक ईएमएफ इज इक्वल टू के टाइम्स फ्लक्स इनटू स्पीड। के कांस्टेंट है और के की वैल्यू के इज इक्वल टू टी जेड अपॉन 60 ए। अपार्ट फ्रॉम दैट टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला तो बैक ईएमएफ का एक फॉर्मूला इक्वेशन और ये दैट इज वी टर्मिनल वोल्टेज माइनस आई ए आर ए। सो बैक ईएमएफ का अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख दीजिए तो के फाई एन इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए, दैट मीन्स स्पीड विल बी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए अपॉन के फाई। तो एक ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे स्पीड और आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करने के लिए। ऑल्सो देयर इज समवन इज वेटिंग। टॉर्क का रिलेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू के टाइम्स पाई इंटू आई ए। तो ये रिलेशन यूज होगा टॉर्क और आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करने के लिए। तो ये दो फॉर्मूले हैं, फर्स्ट सॉरी फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड। इन्हें दिमाग में हमें रखना है जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ कर रहे होंगे तब। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डीसी शंट मोटर से। फॉर्मूले बहुत मुश्किल नहीं है तो अभी इसे जब कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग प्लॉट करेंगे तो फिर से समराइज कर लेंगे। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम शंट मोटर। डीसी शंट मोटर
तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं डीसी शंट मोटर के लिए। सिंस देयर इज नो नीड ऑफ ड्राइंग कनेक्शन डायग्राम ऑफ डीसी शंट मोटर, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस लेट मी ड्रॉ द कनेक्शन डायग्राम फॉर डीसी शंट मोटर। This is terminal voltage, line current IL, current supply to the armature circuit and current supply to the field circuit. Suppose field circuit ka jo resistance hai RF hai, current IF hai, this is the armature. Armature ke cross induced EMF, that is back EMF, and let's say the resistance of armature winding is a small R. So using this diagram, we can find out these relations that EB is equal to V minus IRA, and also field current is equal to terminal voltage upon field resistance. Just wait, somebody is waiting in the lobby. Now, see, from this formula, that is second equation, we can derive one conclusion that field current is directly proportional to terminal voltage. Okay, so since terminal voltage is constant, so we can assume that field current is also constant until we are neglecting the effect of armature reaction. ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को जब तक हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तब तक हम ये मान के चल रहे हैं दैट बिकॉज टर्मिनल वोल्टेज इज कांस्टेंट तो फील्ड करंट फॉर शंट मोटर विल आल्सो बी कांस्टेंट। तो ये दो रिलेशंस हैं शंट मोटर के लिए। अब सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स हम प्लॉट करते हैं, दिस वन तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, दैट इज स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। सो वी हैव टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन बाय व्हिच वी कैन कंक्लूड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन आर्मेचर करंट ऑन द स्पीड ऑफ द शंट मोटर। सो एज वी नो दैट बैक ईएमएफ इज इक्वल टू के टाइम्स पाई इनटू n, n is the speed. So, and from this equation 1, we can put value of EB from equation 1 over here. So we can get V minus IARA is equal to K pi into n. So in terms of speed, this equation can be written as V minus IARA upon k times pi. We can also write this equation as V upon k pi minus I A R A upon K pi. Suppose this is equation 3. So by using this equation, now we can predict what will be the characteristics of what will be the effect on speed when armature current will be varied. So first important point, at no load, when there is no load, यानी कि आर्मेचर के शाफ्ट पे कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, at no load, IA will be very small. So, IA, RA drop
will also be very small. तो नो लोड पर ये जो आई ए आर ए ड्रॉप है इक्वेशन थ्री में ये बहुत लो वैल्यू होगी इस, ठीक है। तो हम इस वाले टर्म को, क्योंकि फ्लक्स को हम इनिशियली कांस्टेंट मान के चल रहे हैं जब तक आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को हमने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो फाई कांस्टेंट, और वैसे भी जब नो लोड पे आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत कम है तो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट वैसे भी बहुत कम आएगा, क्योंकि एट द स्टेज ऑफ डिजाइनिंग इंटरपोल कंपनसेटिंग बाइंडिंग वगैरह लगा के आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को वैसे भी बहुत ज्यादा सप्रेस कर दिया जाता है, ठीक। तो ये जो सेकेंड टर्म है ये काफी कम हो गया एट नो लोड, तो स्पीड को आप लिख सकते हैं नो लोड स्पीड विल बी इज इक्वल टू वी अपॉन के फाई। हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि इस टर्म की वैल्यू बहुत कम है, तो हमने सेकेंड वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया, नो लोड स्पीड को एन नॉट से डिनोट कर दिया, तो ये नो लोड स्पीड हो गई। टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है, के फाई भी कांस्टेंट है, तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि नो लोड स्पीड जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई। तो अब अगर हम एक कर्व प्लॉट करें स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में, स्पीड एंड आर्मेचर करंट इसके बीच में कर्व प्लॉट करें, तो नो लोड स्पीड क्योंकि कांस्टेंट है तो करेस्पॉन्डिंग टू नो लोड स्पीड हम यहां पर एक लाइन बना लेते हैं। तो ये जो येलो लाइन है दैट विल डिनोट द नो लोड स्पीड, दिस विल डिनोट द नो लोड स्पीड, ठीक। अब जब लोड कनेक्ट होगा शंट मोटर में, यानी शाफ्ट पे, यहां पर शाफ्ट में लोड को कपल किया जाएगा, देन आईए की वैल्यू इंक्रीज होगी। जब आईए की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आई ए आर ए ड्रॉप भी इंक्रीज होगा, तो आई ए आर ए ड्रॉप भी इंक्रीज होगा, तो ये वाला जो टर्म है इक्वेशन थ्री में, दिस टर्म विल इंक्रीज। जब ये टर्म इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, हेंस स्पीड विल फॉल। तो करेस्पॉन्डिंग टू दिस कंक्लूजन हम अगर कर्व प्लॉट करें, तो ये कर्व जस्ट अ मिनट, तो कुछ इस तरह का कर्व आपको मिलेगा। तो ये कर्व हो गया, आर्मेचर रिएक्शन को जब हमने नेग्लेक्ट किया है तब, अभी हमने आर्मेचर रिएक्शन की कोई बात नहीं, तो इस तरह से स्पीड में ड्रॉप आ जाएगा। तो ये जो आप ड्रॉप देख रहे हैं, दिस इज आई ए आर ए ड्रॉप। अब हम इंक्लूड करते हैं इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, जब आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को आप इंक्लूड करेंगे तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या फर्क आएगा। जैसे जैसे लोड करंट इंक्रीज होगी तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आर्मेचर रिएक्शन का इंक्रीज करेगा, इसका मतलब फ्लक्स में ड्रॉप आएगा। जब फ्लक्स में ड्रॉप आएगा तो आप इस वाले टर्म को देखिए इक्वेशन थ्री में, ये वाला जो टर्म है सेकेंड टर्म, तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, फ्लक्स है, यानी फ्लक्स में भी ड्रॉप आएगा। आई ए आर ए ड्रॉप भी बढ़ रहा है लेकिन फ्लक्स में भी कमी आएगी, फ्लक्स कहाँ है, डिनोमिनेटर में, और आई ए आर ए कहाँ है, न्यूमिनेटर में। तो आई ए आर ए ड्रॉप फिर भी कंपेरिजन टू ड्रॉप इन फ्लक्स ज्यादा ही होगा, क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है आर्मेचर रिएक्शन का वो मोटर के अंदर कम होगा कंपेयर टू आई आर ए ड्रॉप। उसका कारण क्या है, क्योंकि डिजाइनिंग स्टेज पे ऑलरेडी
आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को मिनिमाइज किया गया है, तो जो फ्लक्स का ड्रॉप है वो बहुत कम होगा कंपेयर टू IRA ड्रॉप, लेकिन ये फ्लक्स में जो कमी आएगी वो थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज कर जाएगी। क्यों इंक्रीज कर जाएगी? क्योंकि आपका फ्लक्स कहाँ है? डिनोमिनेटर में है। तो हाउ एवर IRA ड्रॉप अभी भी ज्यादा होगा कंपेयर टू फ्लक्स, लेकिन ये फ्लक्स का ड्रॉप थोड़ा सा स्पीड को स्ट्रेंथ कर जाएगा। तो इस वजह से जो एक्चुअल ग्राफ है वो एक्चुअल ग्राफ यहां पर होगा। तो दिस विल बी दी एक्चुअल ग्राफ या एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड में आर्मेचर रिएक्शन इंक्लूडेड है। जो ग्रीन लाइन से है वो एक्चुअल स्पीड है जिसमें आर्मेचर रिएक्शन इंक्लूडेड है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से स्पीड थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो जाएगी, स्पीड इंप्रूव कर जाएगी, ठीक है, ड्रॉप कम हो जाएगा। लेकिन आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड नहीं करेंगे तो ब्लू वाली लाइन मिलेगी जिसमें IRA ड्रॉप बहुत ज्यादा होगा क्योंकि फ्लक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। और जो येलो वाली लाइन है वो नो लोड स्पीड है, उसमें कोई भी ड्रॉप नहीं है, कांस्टेंट होगी वेरिएशन टू आर्मेचर करंट। आप लोगों को ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आई, पहली वाली स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट? यस सर। किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सर जो आपने आर्मेचर रिएक्शन नेगलेक्ट फिर तरीके से आपने माना है सर, क्या बेटा फिर से बोलो? आर्मेचर रिएक्शन सर, आर्मेचर रिएक्शन निगलेक्ट। हाँ सर, जो IA और RA के बीच में है क्या सर, जो यही है क्या? पहले तो हम इसको हटा ही दें तो ज्यादा अच्छा। देखो जो ब्लू वाली लाइन है बेटा वो तब स्पीड का कर्व होगा जब आर्मेचर रिएक्शन को निगलेक्ट कर दिया गया, ठीक है। जब आर्मेचर रिएक्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे तो जो टर्म सेकंड है इसमें के फाई कांस्टेंट हो गया, फाई फ्लक्स भी कांस्टेंट है जब आर्मेचर रिएक्शन को हमने नेग्लेक्ट कर रखा है। तो IRA ड्रॉप जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्पीड में फॉल होगा। अब IRA ड्रॉप बढ़ता जाएगा करंट, आर्मेचर करंट के बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, इसलिए ये ड्रॉप ज्यादा है स्पीड। लेकिन जब आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड कर लेंगे तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है दैट इज फ्लक्स, ये वैल्यू जो है अब कम होगी। जब ये वैल्यू कम होगी तो ये जो ओवरऑल टर्म है IRA / K phi, ये जितना पहले बढ़ रहा था उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा क्योंकि फ्लक्स भी कम होगी, डिनोमिनेटर में फ्लक्स भी कम होगी। इसी तरह से इस वाले टर्म को देखो तो इस वाले टर्म में भी तो फ्लक्स है, तो जब डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट लेंगे तो फ्लक्स इस टर्म में भी रिड्यूस होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म है ये भी अब कॉन्स्टेंट नहीं होगा, तो इसमें भी क्या होगा, ये भी ये कम हो रहा है तो ये टर्म भी थोड़ा सा बढ़ेगा और ये टर्म भी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो इस वजह से ये स्पीड जो है एक्चुअल स्पीड तुम्हारी ग्रीन वाली लाइन पे आ जाएगी, ठीक है। या इसको आप इस तरह से कह लो कि ये जो वाला टर्म है आपका, ये वाला पहला वाला टर्म, ये टर्म किसके करेस्पॉन्डिंग, ये टर्म है नो लोड स्पीड के करेस्पॉन्डिंग। तो इस इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, नो लोड स्पीड माइनस नो लोड स्पीड माइनस IARA अपॉन के फाई, ठीक। अब जब तक आर्मेचर रिएक्शन को हमने नेगलेक्ट कर रखा है तब तक ये वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है व्हेन आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इज नेगलेक्टेड। तो जैसे जैसे IARA ड्रॉप बढ़ेगा ये पूरा टर्म क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी वजह से ये ब्लू लाइन बनी हुई है, ड्रॉप स्पीड में ज्यादा है कंपेयर टू नो लोड स्पीड। बट जब आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को इंक्लूड कर लेंगे तो ये सेकंड वाला जो टर्म है इस इक्वेशन में ये भी क्या होगा, कम होगा क्योंकि फ्लक्स कम होगा। अब IRA ड्रॉप बढ़ रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है, तो ये ओवरऑल टर्म में जो इंक्रीमेंट है वो पहले वाले केस के कंपैरिजन में कम होगा, इसीलिए स्पीड का ड्रॉप भी कम होगा, इसलिए ग्रीन लाइन बनी हुई है एक्चुअल स्पीड। अब क्लियर है? यस सर। और किसी का क्वेश्चन इस कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड? चलिए अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक शुरू करते हैं, दैट इज टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करेंट।
So now thus we will see the next characteristic, that is torque versus armature current. So as we know that from the expression of torque, that is electromagnetic torque is equal to K times phi into I. When armature reaction is neglected, in that case, phi is assumed constant. So iska matlab ye hua that this equation, suppose isko 4 humne maan liya, to equation 4 ko aap kya likh sakte hain, that torque is directly proportional to armature current, kyunki flux constant ho gaya, to ye pura term kya ho gaya, constant ho gaya. तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट होने के वजह से जो इक्वेशन है वो आपको ये मिलेगी. दैट मींस जैसे जैसे आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी, सेम प्रोपोर्शन में टॉर्क भी शंट मोटर का इंक्रीज होगा. तो अगर इसका कर्व प्लॉट करें हम, टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, तो अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो कर्व आपको इस तरह से मिलेगी, स्ट्रेट लाइन. अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तब. अब अगर हम दो इफेक्ट्स को इंक्लूड कर लें, दैट इज आर्मेचर रिएक्शन एंड सैचुरेशन ऑफ फील्ड पोल्स, तो इस कर्व में आपको दिखेगा कि ये लीनियर कर्व नहीं रह जाएगा. नो हो दिस विल बी लीनियर कर्व, बट देयर विल बी अ डेविएशन इन दिस कर्व लाइक दिस. तो ये होगा एक्चुअल कर्व. ये आप कह सकते हैं आइडियल है, जो कि पॉसिबल नहीं. ये ड्रॉप इसलिए हो गया क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन को अगर हम इंक्लूड कर लें तो फ्लक्स कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, फ्लक्स में कमी आ जाएगी, और सैचुरेशन को भी इंक्लूड कर लेंगे तो जो कर्व है वो सा डेविएट हो जाएगा अपने स्ट्रेट लाइन के पास. ये आप लोगों को क्लियर है करेक्टरिस्टिक्स? किसी का कोई सवाल टॉर्क आर्मेचर करंट करेक्टरिस्टिक्स में, शंट मोटर में? एनी क्वेरी? अब लास्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू करते हैं. यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी हुई थी उसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम फिर से लिख दे रहे हैं. दैट इज speed is equal to terminal voltage upon k phi minus I a r a upon k phi. ये equation 3 मान लेते हैं क्योंकि यहाँ equation 4 पहले से लिखी हुई है. अब हमें जो characteristics plot करनी है वो है speed versus torque. तो हमें speed और torque में relation चाहिए, ठीक है? तो हम इस वाली इक्वेशन का यूज करते हैं और एक छोटा सा यहाँ पर चेंज ये कर देते हैं कि इसको हम नाम दे देते हैं सपोज के ए डैश
या इससे बेटर ये कि जैसे हम लिख देते हैं टॉर्क से रिलेटेड, तो के टी फाई आई है, और यहाँ है ये स्पीड से रिलेटेड है तो इसे के एन लिख देते हैं, के एन। नाउ अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि हम इक्वेशन 4 से करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर्मेचर करंट की। दिस विल बी इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन के टी फाई। इस वैल्यू को, जो करंट की वैल्यू आई, इसको उठा के इस इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू वी अपॉन के एन फाई माइनस। आर ए अपॉन के टी के एन फाई स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं टॉर्क। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आएगा, और इस एक्सप्रेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि स्पीड में किस तरह से वेरिएशन होगा जब टॉर्क में वेरिएशन होगा तब। इसको इक्वेशन 5 कर लेते हैं। तो अब इक्वेशन में आप देखिए, अगर हम इनिशियली फ्लक्स को कांस्टेंट मान लें, यानी व्हेन आर्मेचर इफेक्ट को नेगलेक्ट कर दें, पहला पॉइंट व्हेन ए आर आर्मेचर रिएक्शन इज नेगलेक्टेड, आर्मेचर रिएक्शन को नेगलेक्ट कर दें, तो जैसे जैसे टॉर्क इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये टर्म इंक्रीज हो। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि दैट टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करेंट, तो ये टर्म इंक्रीज होगा, ये टर्म इंक्रीज होगा इक्वेशन 5 में, ये पूरा टर्म जब तक फ्लक्स को कांस्टेंट माना, ये इंक्रीज होगा तो स्पीड में क्या आएगा, फॉल आएगा, तो करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं। स्पीड वर्सेस टॉर्क, तो एक यहां पर रेफरेंस लाइन बना लेते हैं, अब इसके बाद कर्व प्लॉट करने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो अगर आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं तो जो कर्व मिलेगा, सपोज वो कर्व, क्योंकि जैसे जैसे पहला वाला टर्म इंक्रीज होगा, सॉरी दूसरा वाला टर्म, दिस टर्म इंक्रीज होगा, स्पीड में फॉल होगा। मान लीजिए कि ये है कर्व आपका स्पीड वर्सेस टॉर्क। ठीक है, बट अगर आप आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को इंक्लूड कर लें, थर्ड पॉइंट व्हेन ए आर इज इंक्लूडेड, जब आर्मेचर रिएक्शन को आप इंक्लूड करेंगे तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जो फ्लक्स है इसका स्क्वायर है, तो अगर डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को हम लेंगे तो फ्लक्स में जो कमी आएगी वो बहुत तेजी से आएगी, तो ये पूरा टर्म जो है ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, जो पहले ये टर्म बढ़ रहा था ये थोड़ा कम रेट से बढ़ रहा था, लेकिन जब आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड कर लिया हमने तो यहाँ डिनोमिनेटर में फ्लक्स का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल टर्म बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो इसका मतलब स्पीड में जो फॉल आएगा वो इंक्लूड करने पर इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन और तेजी से
होगा ये ड्रॉप, ये जो ड्रॉप है वो तेजी से होगा, ठीक है। तो ये जो ग्रीन लाइन वाला ग्राफ है ये एक्चुअल है, और ये वाला जो ग्राफ है ये व्हेन ए आर इज कनेक्टेड, इसमें किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? ये चीज समझ में आई? जब आर्मेचर रिएक्शन को हम इंक्लूड कर लेंगे तो स्पीड में बहुत तेजी से ड्रॉप होगा, कारण उसका आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ फ्लक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो फ्लक्स में जो कमी आएगी वो स्क्वायर के टर्म्स में यानी तेजी से आएगी, तो ये ओवरऑल पूरा टर्म इस इक्वेशन 5 का जो सेकेंड टर्म है ये बहुत तेजी से इंक्रीज होगा, तो इसलिए वो ये स्पीड जो है वो और ज्यादा फॉल हो जाएगी जब आर्मेचर रिएक्शन को निर्वेक्ट किया उसके कंपैरिजन में। तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। अगर आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया हो, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई डीसी शंट मोटर की, तो हम लोग डीसी सीरीज मोटर की तरफ बढ़े। यस सर। कोई ठीक, चलिए मैं सर अप कर रहा हूँ सारे फॉर्मूले वगैरह। अब डीसी सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, जस्ट अ मिनट, डीसी सीरीज मोटर के डायग्राम के करस्पोंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस अगर लिखी जाए, ऑपरेटिंग इक्वेशंस, तो यहाँ फील्ड वाइंडिंग सीरीज में होगी आर्मेचर के साथ, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस RSC, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस RA, बैक EMF, आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट, और ये लाइन करंट। तो तीनों करंट सेम है, जो करंट वाइंडिंग में जा रही फील्ड वाइंडिंग में वही करंट जाएगी आर्मेचर। तो अब अगर रिलेशनशिप्स पे जाएं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। तो स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट यानी कि इसके लिए रिलेशन आपको चाहिए, और वो रिलेशन क्या है, अभी पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा n इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज आई आर ए प्लस आर एस ई अपॉन वाई फ्लक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये चीज ध्यान दीजिए दैट फील्ड करंट इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, या सॉरी नॉट प्रोपोर्शनल, फील्ड करंट इज इक्वल टू
आर्मेचर करंट। इसका मतलब है कि दैट जो फ्लक्स है मशीन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फील्ड करंट के, और फील्ड करंट और आर्मेचर करंट दोनों इक्वल है। तो इसलिए जहां पर फ्लक्स है हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू सपोज के, एक कांस्टेंट ले लिया हमने के डैश इंटू आई ए। तो इस इक्वेशन में जहां पर फ्लक्स लिखा हुआ है, तो लेट मी रिप्लेस इट, एक मिनट इससे काम नहीं बनेगा ना। यहाँ पर क्या है कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट एंड फील्ड करंट इज इक्वल टू आर्मेचर करंट। हमें स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में रिलेशनशिप चाहिए ना, तो हमें फ्लक्स को एलिमिनेट करना है। तो फ्लक्स को एलिमिनेट करने का मतलब ये हुआ कि तो यहाँ पे फ्लक्स इज इक्वल टू के टाइम्स आई ए, यहाँ पे लिख दीजिए के डैश आई ए। तो ये आई ए से यहाँ पर आई ए कैंसिल होगा, स्पीड की इक्वेशन आएगी टर्मिनल वोल्टेज अपॉन के टाइम्स आई ए माइनस आर ए प्लस आर एस ई अपॉन के डैश। तो ये दो टर्म आएंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पर आई थिंक के पहले से था तो यहाँ पे के डैश हो जाएगा, हमने से के एन लिया था ना, तो ये के एन के डैश हो जाएगा, यहाँ पर भी के एन के डैश हो जाएगा, यहाँ पर भी के एन के डैश हो जाएगा। पिछले वाले इक्वेशन जो हमने ली थी शंट मोटर भी है, तो यहाँ पे के एन लिया। तो ये कुछ इस तरह से एक इक्वेशन बनेगी, सपोज इसको इक्वेशन हमने वन ले लिया, इसमें दो टर्म्स हैं। सेकेंड टर्म देखिए तो कांस्टेंट इसमें सारे हैं, तो ये टर्म कांस्टेंट है। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करनी है स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। तो यहाँ पर दिख रहा है दैट इज स्पीड इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। दैट मींस कर्व किस तरह का होगा, इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब क्या है कि जब आर्मेचर करंट की वैल्यू कम होगी तो स्पीड बहुत ज्यादा होगी, और जब आर्मेचर करंट की वैल्यू बढ़ने लगेगी तो स्पीड रिड्यूस होने लगेगी, और एक हाइपरबोला की तरह यहाँ पर रिलेशन आएगा। तो अगर इसको कर्व को हम प्लॉट करें, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, तो कर्व कुछ इस तरह का आएगा जब तक हम इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन को नेगलेक्ट किए, तो इस तरह से कर्व आएगा। अगर हम यहाँ देखें, इफ एट द टाइम ऑफ टेस्ट एट नो लोड आर्मेचर करंट बहुत कम होगी, इज वेरी लो, या मान लीजिए कुछ समय के लिए आइडियली मान लेते हैं कि आर्मेचर करंट जीरो है, ठीक है, तो उस केस में स्पीड मे बिकम इनफाइनाइट, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना स्पीड आर्मेचर करंट। तो एट नो लोड आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत कम होगी, और इन दैट केस स्पीड में बिकम डेंजरसली हाई। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस प्रोड्यूस होगी रोटेशन ऑफ आर्मेचर की वजह से, वो इतनी ज्यादा होगी कि जो पट्टे वगैरह यानी कि जो बेरिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, बेल्ट वगैरह लगी हुई हैं मोटर में, वो सारी टूट सकती हैं।
इतनी, और जो भी काम कर रहा होगा उस समय मोटर पे, उसको भी चोट लग सकती है। यानी ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि एट वेरी लो, सॉरी एट नो लोड आर्मेचर करंट इज वेरी लो, दैट विल मेक स्पीड इज वेरी हाई, दैट इज डेंजरसली हाई। तो इस वजह से डीसी सीरीज मोटर को कभी नो लोड पे स्टार्ट नहीं करते, हमेशा डीसी सीरीज मोटर के शाफ्ट पे लोड को कपल कर देते हैं, मैकेनिकल लोड को, थोड़ा सम अमाउंट ऑफ मैकेनिकल लोड, एंड देन वी विल स्टार्ट डीसी सीरीज मोटर, बिकॉज एट नो लोड स्पीड में बिकम डेंजरसली हाई। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ये बताता है कि आर्मेचर करंट की वैल्यू कम है तो स्पीड बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ रही है स्पीड में फॉल आ रहा है, ठीक है, एक तरह से देख लीजिए तो एक्सपोनेंशियली फॉल आ रहा है स्पीड। तो ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक जब हमने आर्मेचर रिएक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया। जब आप आर्मेचर कर रिएक्शन को इंक्लूड करेंगे तो आर्मेचर रिएक्शन इंक्लूड करने के वजह से फ्लक्स की वैल्यू कम होगी, लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि फील्ड करंट और लाइन करंट दोनों सेम है, तो आर्मेचर करंट भी फील्ड करंट के बराबर है। तो जब आर्मेचर करंट बढ़ेगी तभी तो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट पड़ेगा, और सेम करंट जो फील्ड में जा रही है वो आर्मेचर करंट ही है यहाँ पर, तो इस फ्लक्स में जो रिडक्शन आएगा उस वजह से स्पीड थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी। इस कर्व में सिर्फ इतना सा चेंज आएगा, ये कर्व थोड़ा सा ये यहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगा, ये आपका एक्चुअल हुआ, ठीक, और ये विदाउट आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। तो ये स्पीड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है डीसी सीरीज मोटर की। अगर इसमें किसी का कोई सवाल हो तो बताइए, ठीक ठीक है। एक्चुअल कर्व ऊपर वाला है, ब्लू लाइन, ब्लू लाइन जो है एक्चुअल कर्व है, जब आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को हमने इंक्लूड कर लिया, और जो रेड वाली लाइन है दिस इज व्हेन आर्मेचर रिएक्शन इज नेग्लेक्टेड। आर्मेचर रिएक्शन इंक्लूड कर लेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू में एट द सेम टाइम कमी आएगी, तो उस कमी के वजह से स्पीड थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगी विद इंक्रीज इन आर्मेचर करेंट। एनी ओके, कोई क्वेरी नहीं है तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, एंड एज वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू के टाइम्स पाई इनटू आई ए। नाउ सिंस इन सीरीज मोटर फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट इज इक्वल, दैट मींस फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई ए, तो इसको हम लिख सकते हैं सपोज के डैश इंटू आई ए। तो यहाँ पर इसको सब्सिट्यूट करें तो टॉर्क विल बी इज इक्वल टू के टी इंटू के डैश आई ए स्क्वेयर। तो अगर आर्मेचर रिएक्शन को हम यहाँ पे इंक्लूड ना करें इनिशियली, तो ये रिलेशन मिलेगी हमें टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में, ठीक है, दैट मींस जो सॉरी टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में ये रिलेशन है। तो एक तरह से आप देखिए तो एक कर्व कैसा आना चाहिए, पैराबोला। तो कर्व ड्रॉ करते हैं सीरीज मोटर, और सीरीज मोटर के लिए टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, मैंने बताया ही आपको कि कर्व कैसा आएगा, कर्व आएगा पैराबोला, दैट मीन्स
कुछ इस तरह का करवाएगा एनाबोलिक, ठीक है। अगर हम आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड कर लें, व्हेन आर्मेचर रिएक्शन इंक्लूडेड, आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड करने का मतलब क्या हुआ, फाई इज नो मोर कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट नहीं होगा तो इस इक्वेशन में टॉर्क में रिलेशनशिप अगर आप देखिए, तो पहले तो हमने लिख दिया था कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई ए, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आई ए स्क्वायर बना दिया। अब यहाँ पर फ्लक्स आई ए के प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज जनरेटर है, तो फ्लक्स में भी फॉल आएगा और आर्मेचर करंट के इंक्रीज के साथ डिमैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। तो ये कर्व क्या होगा, एक्चुअल जो कर्व होगा वो इस तरह से पैराबोलिक ना होके इसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, ये कर्व जो है आप कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से, सो दिस विल बी एक्चुअल एंड दिस विल बी व्हेन ए आर इज नेग्लेक्टेड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट इन केस ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर। अब कर्व प्लॉट करते हैं जल्दी से, अगला टाइम तेजी से भाग रहा है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज स्पीड वर्सेस टॉर्क फॉर सीरीज मोटर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखी थी, वो सॉरी इक्वेशन थी वी टी माइनस आई ए आर ए अपॉन के एन फाई अपॉन, यहाँ पे प्लस आर ए सी होगा के एन फाई, एंड टॉर्क रिलेशनशिप है इसको मान लेते हैं के डबल डैश आई ए स्क्वायर फाई, क्योंकि फाई इज प्रोपोर्शनल, फाई इज इक्वल टू के डैश आई ए था, यहाँ पर हमने पुट कर दिया, अब ये पीछे है ना, यहाँ पर ये चीज यहाँ पे है ना, ये फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई ए, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हमने के टी के डैश को नया कॉन्स्टेंट दे दिया के डबल डैश, तो इसलिए यहाँ पे के डबल डैश आ गया आई ए स्क्वायर। यहाँ से आई ए की वैल्यू निकालिए तो ये क्या आएगा, अंडर रूट टॉर्क अपॉन के डबल डैश। तो यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है आई ए वहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो वी टी अपॉन के एन फाई माइनस आई ए के प्लेस पे वैल्यू पुट कीजिए तो टॉर्क अपॉन के डबल डैश आर ए आर एस ई अपॉन के एन फाइव, तो ये एक्सप्रेशन होगी। तो इस इक्वेशन से यही समझ में आएगा कि एज टॉर्क विल इंक्रीज स्पीड विल फॉल, ठीक है, जैसे जैसे टॉर्क, एक मिनट जस्ट अ मिनट, एक यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, इससे एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलेगी क्योंकि हमने फ्लक्स को एलिमिनेट नहीं किया, यहाँ तक तो सही है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस इक्वेशन में फ्लक्स को एलिमिनेट करेंगे तो हो जाएगा वी टी अपॉन के एन के टी, एक मिनट,
ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस वाले एक्सप्रेशन को उठाएं, अगर यहाँ से इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन की जगह पे इस वाले एक्सप्रेशन को लिखते हैं जो पीछे भी अपने हमने आपको दिखाया जब स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे थे। तो वी टी अपॉन के एन के डैश आई ए माइनस आर ए प्लस आर एस ई अपॉन के एन के डैश, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन पुट कीजिए जहाँ पर आर्मेचर करंट है वहाँ पर टॉर्क को, तो एन विल बी इज इक्वल टू वी टी के एन के डैश आई ए की जगह पे टी ए के डबल डैश अंडर रूट के डबल डैश ऊपर चला जाएगा माइनस आर ए प्लस आर एस ई अपॉन के एन के डैश। सो यहाँ से आपको ये चीज समझ में आएगी दैट स्पीड इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। तो जैसी करेक्टरिस्टिक्स आपको मिली थी आर्मेचर करंट और स्पीड के बीच में वैसी ही करेक्टरिस्टिक्स मिलेगी, बस टॉर्क में जो इंक्रीज होगा उसमें स्पीड में फॉल यहाँ पर कम होगा कंपेरिजन टू आर्मेचर करंट एंड स्पीड करेक्टरिस्टिक्स। मतलब आर्मेचर करंट के बढ़ने में जो स्पीड में फॉल था उससे कम यहाँ पर होगा क्योंकि टॉर्क की वैल्यू जो है वो अंडर रूट में, ठीक है। तो यहाँ स्पीड हो गई, यहाँ पे टॉर्क हो गई, करेक्टरिस्टिक्स आप प्लॉट करेंगे तो वो इसी तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगी इस तरह से। तो दिस इज द स्पीड टॉर्क करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर। किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछे, ऑलमोस्ट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। कोई क्वेश्चन हो किसी का तो वो पूछ सकता है। सर एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे रहता है,